पूछ लीजिए। सर मैडम कैसा अनुभव रहा आपका साउथ से भोजपुरी फिल्मों में काम करने का? भोजपुरी तो मेरे लिए बहुत ही नई इंडस्ट्री थी और मुझे अभय जी ने बुलाया था मेरी पहली मूवी मेहंदी लगा के रखना 3 के लिए। मैं उसमें काम की तो यू नो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिली जैसे निशांत उज्जवल जी प्रोड्यूसर हैं वो भी तो वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और उसके बाद तो लगातार मैंने 5 फिल्में की हैं वो भी साथी भी की हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर भी रही हूँ अभी। आपका जहाँ तक हम लोगों ने बायोग्राफी चेक किया था उसमें आपका जन्म बंगलोर बताया जा रहा है ठीक है। बंगलोर से उसके बाद वहाँ की लैंग्वेज अलग यहाँ की लैंग्वेज अलग कैसे यहाँ पे कमांड कैसे आपने किया? देखिए मैंने बहुत मेहनत किया है भोजपुरी सीखने में। ऐसा होता था कि पहले तो मुझे हिंदी भी नहीं आती थी तो मैंने पहले मेरी हिंदी को सही की उसके बाद भोजपुरी। अभी आप अगर आप जानते हैं मतलब अभी जो मेरी मूवी रिलीज हुई है छोरी छोरी छुपके छुपके उसमें मैंने ही सारे डायलॉग्स बोले हैं और डबिंग भी की है और उसके बाद के सारे फिल्मों में मैंने ही डबिंग की है। तो हमने बहुत मेहनत की है लैंग्वेज पे तो बहुत मजा आया बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत के साथ कर रही हूँ मैं और आई एम एंजॉयिंग जो कर रहे हैं हम लोग अभी। आपने जब किसी को बताया होगा कि मैं भोजपुरी फिल्मों में काम करें तो लोगों का क्या रिएक्शन था घर वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए पहले तो मेरा खुद का रिएक्शन ये होता था क्योंकि एक वो बना दिया गया है भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब यू नो एक बहुत वल्गर टाइप का यू नो सॉन्ग या फिर मूवीज बनाया जाता है उतना बड़ा एक्सप्लोजर नहीं है। बट जब मैं यशी फिल्म्स में आई और मैं अभय जी से मिली और निशांत जी से मिली तो मैंने देखा कि यार लंदन में शूट कराया जा रहा है इतना बड़ा प्रोडक्शन है और यू नो अवार्ड फंक्शंस होते हैं। और जब मैंने एक्चुअली देखा कि भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी अच्छी है बट उसको पता नहीं क्यों ऐसे पोर्ट्रे करते हैं लोग अब इतनी सुधर गई है बहुत ही अच्छी है बहुत अच्छे अच्छे फिल्में बना रही है। मैंने खुद जितने फिल्में की हैं वो इतनी खूबसूरत यू नो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है मतलब फैमिली ओरिएंटेड मूवीज है तो आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है काम करके इन सबके साथ और बहुत आगे भी बढ़ रही है इंडस्ट्री और ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए। और आई थिंक सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो हमारी इंडस्ट्री हिंदी से कम नहीं है। आपके पहली फिल्म जो भोजपुरी में थी उसके हीरो खेसारी जी थे जी। अभी जो सुपरहिट आपकी फिल्म है चोरी चोरी चुपके चुपके उसके भी हीरो खेसारी जी थे क्या क्या प्लस पॉइंट क्या मानती हैं? आई थिंक खेसारी जी का जो जोनर है वो है कॉमेडी एंड देन चोरी चोरी छुपके छुपके बहुत ज्यादा कॉमेडी है। ऐसा होता था कि हम कोई सीन कर रहे हैं और खुद हंसने लग जाते थे मतलब इतनी कॉमेडी। तो आई थिंक उसका स्क्रिप्ट और उसका डायरेक्शन रजनी जी जो है सबसे अच्छे मैं मानती हूँ कि वो वन ऑफ द गुड डायरेक्टर्स में से हैं। और खेसारी जी हैं मैं हूँ और सबसे बेस्ट प्रोडक्शन हाउस है यशी फिल्म्स और सब कुछ बेस्ट है तो ऑफकोर्स होना ही है बेस्ट। और सेकंड फिल्म आपकी थी घातक पवन जी के साथ क्या पवन जी के बारे में क्या कहेंगे? पवन जी के साथ भी काम करके बहुत मजा आया। अनफॉर्चुनेटली तभी जो है लॉकडाउन लग गया था तो आई थिंक उतना अच्छा कर नहीं पाई मूवी जितना कर सकती थी। बट मेरी और उनकी एक और धमाकेदार फिल्म आने वाली है एक दूसरे के लिए 2 मैं उम्मीद करती हूँ सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही खूबसूरत मूवी है हमने लंदन में शूट किया है उसका और सबको बहुत मजा आएगा वो भी देखकर। अभय जी के बारे में क्या कहेंगे? अभय जी तो है मेरे गार्जियन मतलब गॉड फादर वो है मतलब अगर वो नहीं होते तो आई थिंक मैं इंडस्ट्री में नहीं होती। और उनके बाद निशांत जिसको मैं निश बुलाती हूँ मेरे बहुत खास दोस्त अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता जैसे मतलब हर एक चीज में मतलब क्या है सपोर्ट जैसे मैं बोलती हूँ अब लोग बोलते हैं यार तुमको एक्टर ने लॉन्च किया है अब जब मैं कमेंट डालती हूँ कि थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी तो ये बोलते हैं कि खेसारी जी ने तुम्हें लॉन्च किया है पवन जी ने तुम्हें लॉन्च किया है उनको क्यों नहीं थैंक करते। तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे प्रोड्यूसर जो है अभय जी उन्होंने मुझे लॉन्च किया है और निशांत जो मेरे दोस्त हैं निश वो मुझे बेस्ट बेस्ट स्क्रिप्ट्स के साथ डिस्कशन करते हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है बहुत सारा सपोर्ट किया है। एक्टर तो है ही सपोर्टिव बट वो एक प्रोजेक्ट मिलने के बाद हम लोग मिलते हैं फिर काम करते हैं बट मुझे लॉन्च किया गया है अभय जी और निशांत ने आज मैं इतना सक्सेस देख रही हूँ इन दोनों की वजह से ही और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दोनों का। और ऑफकोर्स इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे बहुत सारा प्यार भी मिला है सारे भोजपुरी दर्शकों से और मैं बहुत खुश हूँ। इंडस्ट्रीज में भोजपुरी इंडस्ट्री पहली ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें कि हीरो पसंद करते कि हमारी ये हीरोइन होना चाहिए इसके बारे में आपके साथ कैसा तजुर्बा रहा? मेरे साथ बोल चुकी हूँ ऑलरेडी कि मैंने यश फिल्म छोड़ के कभी कहीं और प्रोडक्शन में काम भी नहीं किया है
क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ ये प्रोडक्शन हाउस में काम करके, और मुझे बैक टू बैक बेस्ट टू बेस्ट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, तो मैं बहुत बिजी हूँ ऑलरेडी यहाँ पे काम करके, और मैं मैंने कभी किसी को कॉन्टेक्ट भी नहीं किया। और आई थिंक काम तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन और डायरेक्टर और स्क्रिप्ट के हिसाब से ही दिया जाता है। कोई हीरो किसी को रेकमेंड कर सकता है बट फोर्सफुली प्रोजेक्ट में डाल नहीं सकता। अगर डाल भी देंगे तो स्पॉइलिंग अ प्रोजेक्ट, आप एक प्रोजेक्ट को खराब कर रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप हर एक क्राइटेरिया देखें कि वो सेट होती है या नहीं, और तभी लें। और आई थिंक एक हीरोइन को सिलेक्ट करने का चॉइस पूरा प्रोडक्शन और कास्टिंग और डायरेक्टर का ही होना चाहिए। आपकी फेवरेट स्टार कौन है भोजपुरी में? देखिए, मैंने तो सबके साथ काम किया है, सभी अलग अलग अच्छे सर हैं, दोनों अच्छे हैं। मैंने चिंटू जी के साथ भी काम किया है, तो अच्छे हैं, सारे अच्छे स्टार्स हैं, मतलब अच्छे फ्रेंडली नेचर के, बहुत ही अच्छे हैं सब। एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस में तो अभी तो बहुत एक्ट्रेस मेरे दोस्त भी हैं, तो बहुत सारे हैं जो सारे दोस्त हैं ऐसे। आप नंबर वन प्रोडक्शन हाउस सियासी फिल्म्स को भोजपुरी का नंबर वन प्रोडक्शन हाउस माना जाता है जी, तो इसके अलावा और कौन कौन सी फिल्में, इस प्रोडक्शन हाउस के अलावा और कौन कौन सी फिल्में जी? मैंने इस प्रोडक्शन के अलावा कोई फिल्में की नहीं है, और ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही खुश हूँ इस प्रोडक्शन हाउस में काम करके, क्योंकि ये बेस्ट प्रोडक्शन हाउस है। मतलब इतना एक्सप्लोजर और बैक टू बैक मूवीज मिलती है, तो मैं क्यों कहीं और जाके ढूंढूं। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है मुझे काम दूसरे प्रोडक्शन से, बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, बट मैं साउथ में भी कर रही हूँ, यहाँ भी कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ यही फोकस करना चाहती हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ। और बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे निश और अभय जी, तो मैं वही प्रोडक्शन में करना चाहती हूँ। जब से आप भोजपुरी में आए हैं, आपके फैशन को लोग फॉलो कर रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दी आपकी? अच्छा है, मैं वैसे भी फैशन डिजाइनर हूँ बेसिकली, मतलब एक्टर बनने से पहले मैंने अपना एजुकेशन फैशन डिजाइनिंग किया था, तो मैं बहुत फोकस करती हूँ मेरे हर एक रोल पे भी कि यार मेरा कैसा लुक हो, और हर एक चीज पे मैं बहुत फोकस करती हूँ। मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस मैं मेरी मूवी के मैं खुद डिजाइन करती हूँ, तो बहुत खुशी होती है अगर कोई फॉलो करता है अपना स्टाइल स्टेटमेंट। साउथ की जब फिल्में रिलीज होती है तो वहाँ के जो फैंस होते हैं दूध हार फाल लगाते हैं, ये पहली बार हो रहा है। मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि ऐसा कुछ हुआ था, मैंने वो वीडियो देखा नहीं है अभी तक, मैं जरूर देखूंगी। और वही कह रही हूँ, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन सभी दर्शकों का और फैंस का जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया है। और आई थिंक ये प्रोजेक्ट भी हमने बहुत दिल से किया था, और मैंने बहुत दिल से सीखा भी, शिद्दत से, बहुत मेहनत के साथ मैंने लैंग्वेज सीखा है। और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे इंडस्ट्री को, और नए नए लोगों को ऐसे ही प्यार देते रहे। ऐसा ना करें कि कोई और इंडस्ट्री से, मतलब कहीं और से आए हैं और बिहार और झारखंड और यूपी से नहीं है, तो आप प्यार ना दें, ऐसे ही अपनापन देते रहे, तो ऑफकोर्स हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। कोई ऐसा सवाल जो हमने पूछा ना और आप बताना चाहती हो? नहीं। ओके, थैंक यू।